इस वीडियो में हम आज 10 मार्च 2018 के दैनिक जागरण का विश्लेषण करेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रमुख हेडलाइंस और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो मैं हूं आरबी राज और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल ई लर्निंग क्लासेज में। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु का दिया अधिकार, जिसके अंतर्गत संविधान पीठ ने जिंदगी की वसीयत का भी हक दिया। मरणासन्न स्थिति में पहुँचे मरीजों को हटाया जा सकता है जीवन रक्षक उपकरण। आगे हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया है, इसके तहत तो कुछ पॉइंट हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं। तो देखें, ऐसे होगी जिंदगी की वसीयत। जिंदगी की वसीयत में इच्छा मृत्यु की घोषणा करने वाला व्यक्ति वयस्क और दिमागी रूप से स्वस्थ होना चाहिए। वह इसके परिणाम को समझने की स्थिति में होना चाहिए। घोषणा बिना किसी दबाव व प्रलोभन के होनी चाहिए। घोषणा में लिखा होना चाहिए कि कब उसे ऐसा इलाज नहीं दिया जाएगा जो कि उसकी मृत्यु में देरी करे। आगे उसमें यह भी लिखा होगा कि वसीयत करने वाला किसी समय निर्देश रद्द कर सकता है या वापस ले सकता है। उसमें संरक्षक या नज़दीकी रिश्तेदार का नाम बताया जाएगा जो वसीयत करने वाले का इलाज रोकने पर फैसला करेगा। अगर जिंदगी की वसीयत एक से ज़्यादा होगी तो आखिरी वाली को मरीज का इच्छा मानते हुए लागू किया जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। ट्रंप ने छेड़ा ट्रेड वॉर, भारत और चीन को दी धमकी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्रेड वॉर छेड़ा है जिसके अंतर्गत स्टील व अल्मीनियम पर आयात शुल्क बढ़ा का निर्देश दिया गया है और भारत चीन से कहा जवाब दिया तो टैक्स और ज़्यादा बढ़ाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार अमेरिका में स्टील पर 25% और अल्मीनियम पर 10% आयात शुल्क लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर ग्लोबल ट्रेड वार को औपचारिक शुरुआत कर दी। कनाडा और मेक्सिको को नए कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। अमेरिका ने भारत और चीन समेत अन्य देशों को यह धमकी दी है कि अगर किसी ने अमेरिकी कदम का जवाब देने की जरूरत की तो उस पर वास्तविक कर यानी उस देश में अमेरिकी स्टील उत्पादों पर लगने वाले आयात शुल्क के बराबर शुल्क लगाया जाएगा। अब जानते हैं कि ऐसा ट्रंप ने क्यों किया। तो ट्रंप ने कहा कि घरेलू उद्योग जगत पिछले कई वर्षों से अनुचित कारोबारी गतिविधियों का सामना कर रहा है, उसे बचाने के लिए यह कदम जरूरी है। उन्होंने कहा, अगर स्टील नहीं होगा तो देश नहीं बचेगा। वर्षों से हमारे उद्योगों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ मिलें बंद हो रही हैं, कामगार बेरोजगार हो रहे हैं। हमें अपने उद्योगों को बचाना होगा। यह अमेरिका का तिलमिलाहट है। वास्तव में दुनिया भर से अमेरिका को किए जा रहे स्टील और अल्यूमिनियम निर्यात पर अमेरिका में नाम मात्र को आयात शुल्क लगता है, जिसकी मात्रा ज़्यादातर मामलों में 5% से भी कम होती है। अगर दूसरी तरफ भारत, चीन और अन्य देशों में अमेरिकी स्टील या उत्पादों पर 75% तक आयात शुल्क लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं दूसरे खबर पे। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है मोहम्मद शमी से रिलेटेड, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य हैं। इन पर पुलिस ने गैर जमानती धाराएं लगाई हैं। परिवार के 4 सदस्यों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं। पत्नी हसीन जहां ने जेठ पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। तो ये बहुत सनसनीखेज मामला है, तो इसकी चर्चा हम शुरू करते हैं। पत्नी हसीन जहां पर शारीरिक एवं मानसिक अत्याचार एवं विवाह उत्तर संबंधों के आरोप में घिरे भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की गिरफ्तारी लगभग तय है। हसीन जहां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शमी के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया है। इस बीच पता चलता है कि हसीन जहां की ओर से पुलिस को जो शिकायत पत्र सौंपा गया, उसमें उन्होंने शमी के बड़े भाई यानी अपने जेठ पर उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया है। कोलकाता पुलिस के संयुक्त आयुक्त अपराध प्रवीण त्रिपाठी ने शुक्रवार को बताया कि हसीन जहां की शिकायत के आधार पर शमी व उनके परिवार के 4 सदस्यों के खिलाफ यादवपुर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के धारा 498A दहेज से संबंधित
घरेलू हिंसा, 323 मारपीट, 307 हत्या की कोशिश, 376 दुष्कर्म, 506 जान से मारने की धमकी, 328 जहर देना और 34 आपराधिक साजिश के तहत सामूहिक अत्याचार के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। और आपको हम बता दें कि इस आरोप लगने के बाद मोहम्मद शमी को BCCI ने अपने अगले कॉन्टैक्ट लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया है। तो ये बहुत ही दुखद समाचार है क्रिकेट प्रेमियों के लिए। आगे, त्रिपुरा में भाजपा राज चालू हो चुका है और भाजपा के तरफ से नए मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने शपथ ग्रहण कर चुके हैं, जिस समारोह में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं श्री अमित शाह भाग लेने पहुँचे त्रिपुरा। तो आप इस तस्वीर में उनको देख सकते हैं। आगे, PCS परीक्षाओं के टॉप 10 चयनितों पर CBI को संदेह है। जो उत्तर प्रदेश के PCS परीक्षाओं के टॉप 10 चयनितों में गड़बड़ी का CBI को पता चला है और PCS 2011 से PCS 2015 तक के परिणामों में कई अभ्यर्थियों को स्किलिंग के अलावा साक्षात्कार में भी नंबरों पर CBI ने संदेह जताया है। तो आप देख रहे हैं कि अभी स्कैम का दौर घटने वाला है नहीं। चीन पाक से सीमा पर तैनात जवानों को नई फैमिली पेंशन मिलेगा, जिसके अंतर्गत शहादत, प्राकृतिक आपदा से मौत या घायल होने पर यह पेंशन दिया जाएगा। आगे देखते हैं, कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के आने पर कांग्रेस ने फिर छेड़ा राफेल करार। आपको पता होना चाहिए कि कल देर रात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत आए और इनका आगवानी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए किया। तो इसके प्रमुख समाचार को हम देखते हैं। भारत पहुँचे मैक्रो, एयरपोर्ट पर मोदी ने किया स्वागत। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो शुक्रवार रात भारत पहुँच गए। नई दिल्ली में एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनकी अगवानी की। मैक्रो के साथ उनकी पत्नी विग्रिट मैरी क्लाउड मैक्रो और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों का दल भी आया है। इस दौरे में दोनों देश सहयोग बढ़ाने के समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। अगला न्यूज है दिल्ली से, सीलिंग पर बवाल, व्यापारियों से मिलने राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के साथ लाजपत नगर पहुंचे थे मुख्यमंत्री। महिलाओं के सवाल पर मंच छोड़कर चल दिए केजरीवाल। तो ये भी बहुत ही सनसनीखेज मामला है, आज का न्यूज़ में इसे बहुत ही प्रमुखता से खबर दिया गया है। लाजपत नगर 4 में गुरुवार को सीलिंग के विरोध में व्यापारियों ने शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने हाथ में काली पट्टी बांध कर कटोरा लेकर प्रदर्शन किया। वहीं व्यापारियों से मिलने करीब 4 बजे शाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लाजपत नगर 4 पहुँचे। इसी दौरान कांग्रेस के स्थानीय निगम पार्षद अभिषेक दत्त भी मौके पर पहुंचे। आगे, व्यापारियों के साथ अभिषेक दत्त ने भी केजरीवाल से सीलिंग को लेकर कई सवाल पूछे। अभिषेक दत्त ने कहा, CM ने डिफेंस कॉलोनी मार्केट में भी सीलिंग खुलवाने का दावा किया था, लेकिन आज तक दुकानें सील हैं। फोटो जर्नलिस्ट के साथ बदसुलूकी के जांच के आदेश दिए गए। महिला दिवस पर पुलिस की बर्बरता हम कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। नगर निगम शिक्षकों का धरना, ये एक बड़ा मुद्दा हो गया है। शिक्षकों को स्कूल छोड़ के धरना देना पड़ रहा है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि शिक्षकों को ऐसा कष्ट ना उठाना पड़े। बताइए, जो शिक्षक रोड पे सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, ऐसी मजबूरी आई क्यों, तो वो पढ़ा क्या पाएंगे, बताइए। इस पे सरकार को और आमजन को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा शिक्षकों का ही नहीं बल्कि आमजन से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। यदि शिक्षक उनके बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, संतुष्ट नहीं होंगे, वो अपने ही मांगों में लगे रहेंगे, तो वो उनके बच्चों का भविष्य कैसे बना पाएंगे। तो शिक्षकों को मुद्दे देखने चाहिए। आज के आए दिन सरकारी कर्मचारी रोड पे क्यों जा रहे हैं, इस बारे में सरकार को विचार करनी चाहिए, अन्यथा सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाएगी। उन्हें ज़मीन पे लाने के लिए ये कर्मचारी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। बजट सत्र 16 से पर नहीं हो पा रही विभागीय स्तर की बैठकें। दिल्ली में सरकार और अधिकारियों के बीच चल रहे टकराव का असर 16 मार्च से शुरू होने जा रहे बजट सत्र पर पड़ सकता है।
तो ये भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने पहले ही ये चर्चा की कि सरकार और कर्मचारी अधिकारियों में ऐसा मनमुटाव क्यों हो रहा है। इससे जाहिर तौर पे उनकी जो योजनाएं हैं फलीभूत होने में अनावश्यक देरी की सामना कर रही हैं। जो सरकार कागजों में रूपरेखा तैयार करती है उन्हें उतारने के लिए, उन्हें ज़मीन पर लाने के लिए यही कर्मचारी अधिकारी उनके सहयोगी होते हैं। यदि इन्हीं से इनका मनमुटाव चले तो संभव नहीं है कि ये योजनाएं सफल हो पाएंगी। चलिए आगे हम अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पंथक मुद्दों के जरिए अकालियों से टक्कर ले रहा भाजपा सिख प्रकोष्ठ। शिरोमणि अकाली दल बादल के तेवर कुछ समय से दिख रहे हैं तल्ख। DSGPC चुनाव में भाजपा सिख प्रकोष्ठ के हिस्सेदारी मांगने से बढ़ी जुई। अकाली भाजपा गठबंधन के विधायक सिरसा से इस्तीफे की धमकी। सॉरी, साउथ कैंपस मजलिस पार्क के बीच 14 से चलेंगी मेट्रो। खोड़ा को कूड़ा मुक्त बनाएगा देश का पहला न्यूसोनिक प्लांट। इंडिया गेट पर बिखरी ओडिशा के व्यंजनों की खुशबू। और मित्रों, मैं आपको बता दूं कि मैं स्पेशल वीडियो इच्छा मृत्यु पे बनाऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण